हेलो हेलो एवरीवन। और रिकनेक्टिंग क्यों हो रहा है? सवाल के जवाबों की। ये ठीक है, ये तो हमने यहाँ रख दिया, आवाज़ चेक कर लेते ये हैं। ठीक है, ये तो ऑल राइट। हेलो, टॉप इंडियन यूट्यूबर चैनल खतरनाक है। टॉप इंडियन यूट्यूबर चैनल यहाँ क्या कर रहे हैं? जस्ट किडिंग। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? हाउ टू रिमूव सेलुलाइट? कैलुलाइट? कैलुलाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सेलुलाइट होता है। सेलुलाइट इज अगेन फैट। ऐसा कोई दो ही प्रकार के फैट होते हैं, पेरिफेरल और विसरल, ठीक है? और ये सेलुलाइट या ऐसे कोई जो इंडियन जो तुमको स्विम सोना बेल्ट में जो बताया जाता है, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अल्टीमेटली यू हैव टू रिड्यूस योर कैलरीज। कैलरी कम करके ही आपका फैट कम होगा, सेलुलाइट कम होगा। तो कृपया ऐसे किसी गलत दावे पे भरोसा ना करें। ओके मदीना जी, सेलुलाइट कम करना है, कार्बोहाइड्रेट कम करें, फैट कम करें। राइट, गार्लिक डज इंक्रीज अ लिटिल टेस्टोस्टेरोन, एंड थैंक यू। बट गार्लिक से कोई चमत्कार नहीं होगा, गार्लिक रेगुलर डाइट में होना चाहिए, ये याद रखिए बस। सर, बीटरूट, कैरेट, स्पिनिच, टमाटो, वो रॉ खाना अच्छा है या फिर जूस निकाल के पीना चाहिए? रॉ खाना अच्छा है, जूस निकाल के कतई बेटर नहीं होता। जूस निकालने भर में आपके कई न्यूट्रिएंट्स, वाइटल न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और उसमें फाइबर भी कम हो जाता है, तो जूस निकालना उतना बेहतर नहीं है जितना कि रॉ। तो अगर आप रॉ खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रॉ नहीं खा सकते छोटा छोटा काट के खाइए, लेकिन जूस मत निकालो। जूस भी चलो कुछ नहीं से ना से तो बेहतर है। और दोस्तों, आज बहुत बढ़िया रहेगा, फटाफट फटाफट सवाल का जवाब देते हैं। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, लाइक करके जरूर सवाल पूछ के लाइक करो। लाइक बढ़ते जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, और लाइक ख़त्म हो जाएंगे तो भी हम फटाफट सेशन ख़त्म कर देंगे। अब हमने ये सोचा है, ठीक है? तो आज हम टारगेट रखेंगे कुछ लाइक, राइट? जितने लोग आएंगे लाइव उससे ज़्यादा लाइक होने चाहिए। अब एक बंदे दो बंदा एक बंदा दो बार लाइक तो नहीं कर सकता, इसलिए कम से कम लाइक तो रखे, एक बार में तो ज़रूर करो। वह ठीक है, लाइक रखो दे जाओ फटाफट फटाफट। और राइट सर, एनी साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग बेकाडेक्सामिन एंड कॉड लिवर कैप्सूल्स डेली? लाइफ स्टाइल इज सेडेंट्री। ओके, इफ़ यू हैव सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, इट सेल्फ विल हैव अ लॉट ऑफ डिजीजेस। उसमें फिर ये ज़रूर है कि बेकाडेक्सामिन या कॉड लिवर कैप्सूल आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कहाँ तक, है कि नहीं? आप अगर एक तरीके से बात समझ लो, बुलेट प्रूफ जैकेट जैकेट भी पहन लो, लेकिन बम गोले की बारिश में आप वहाँ कूद रहे हो कि वहाँ गोलियाँ आ रही हैं, बम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लगेगा ही लगेगा। सो पहले लाइफस्टाइल ठीक करो, है ना? लाइफस्टाइल शुड नॉट बी सेडेंट्री। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इटसेल्फ इज़ अ बहुत सिंपल सी चीज़ है, धीरे धीरे बीमारी होगी होगी, कोई नहीं रोक सकता। अच्छी डाइट रखोगे, अच्छा ये रखोगे, थोड़ा सा थोड़ा स्लो ज़रूर हो सकता है, बट सेडेंट्री सेडेंट्री। और यस, बिगड़ एक्सामिन कॉड लिवर ऑयल लंबे समय तक ले सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। सर, सुबह की शुरुआत क्या खा के पी के करनी चाहिए? सुबह की शुरुआत आपकी होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, 20 से 40 ग्राम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और वाटर बहुत ज़रूरी है। ये तीन आपके ब्रेकफास्ट से फास्ट ब्रेक करना, उससे शुरुआत होनी चाहिए। और सुबह की मतलब अगर बेड से उठने से पहले क्या करना, उठने के बाद इमिजिएटली क्या करना है वो पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब है स्ट्रेचिंग। जी हाँ, सुबह की शुरुआत आपकी स्ट्रेचिंग से होनी चाहिए। आपने देखा होगा जानवर जी भी जब उठते हैं तो उठ के पहले स्ट्रेच करते हैं, ये और ये और ये। तो स्ट्रेचिंग पहले सीखिए, स्ट्रेचिंग पहले करिए अपनी फुल बॉडी की। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। गेट फ्रेश, गेट लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, गेट स्टार्टेड फॉर द डे अहेड, एंड देन रॉ मटेरियल डाल चालू करो, ठीक है? खाना भी खा सकते हो, सॉरी ये क्या नाम है, पानी डायरेक्ट पी सकते हो, दवाई है थायराइड की वो खा सकते हो। एक्सरसाइज करना है खाली पेट तो पानी पी के जाओ, ज़रूर पानी कम से कम पियो, थोड़ा थोड़ा पीते रहो। ओके सर, फैटी लिवर ऐसे मैन बूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या लिवर एनलार्जमेंट से? नहीं जी, फैटी लिवर से मैन बूब नहीं होते। लेकिन ये बात याद रखिए, फैटी लिवर के बाद लिवर के अंदर सिरोसिस हो जाए तो गाइनेकोमास्टिया एक सिम्टम उसका भी है। फैटी लिवर इज नॉट लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस इज एंड स्टेज लिवर डिजीज। एंड स्टेज मेक अ वीडियो ऑन ऐसे
भाई जी, थैंक यू। बेस्ट फूड फॉर डार्क सर्कल, बेस्ट फूड फॉर डार्क सर्कल इज वाटर, इज लिक्विड। इफ यू हैव डार्क सर्कल देन टू बेस्ट फूड, नंबर वन इज लिक्विड, सेकेंड इज स्लीप। ये दो सबसे अच्छे फूड है आपके लिए। आपको लिक्विड लेना है 3 से 4 से 5 लीटर के आसपास, और नींद लेनी है 7 से 8 से 9 घंटे कम से कम। ये दो चीज़ें करेंगे, हो सकता है आपका डार्क सर्कल गायब हो जाए थोड़े दिन में। थर्ड बेस्ट फूड इज़ मेडिटेशन। देखिए, डार्क सर्कल खाने से नहीं होता। हाँ, बेस्ट फूड इज़ नॉर्मल बैलेंस डाइट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, लेकिन और कुछ नहीं। हाँ, बेस्ट फूड इज़ फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, और हल्दी वाला दूध, दैट इज़ वेरी गुड। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ टू बी सीन। ग्लूटाथियोन अपना इंटरनल बनाना है, उसके लिए कुरकुमिन चाहिए, एन एसिटिलसिस्टीन चाहिए, वाइटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, राइट, विटामिन सी चाहिए, उसके लिए एन एसिटिलसिस्टीन की टैबलेट ले सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। ऑल राइट सर, मोटा कैसे हूँ यार? इतने किस्मत वाले हो आप, हम बेचारे देखो डाइट कर करके, घर वाले कह रहे और रोटी खाओ, हम नहीं खाते। आप तो खा सकते हो, रोटी खाओ, चिकन मटन जो खाना है खाओ, मीठा तला हुआ जो खाना है। मोटे होने का बहुत आसान चीज़ है। हाँ, ये बात और है, कई लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। सो मेटाबॉलिज्म फास्ट इंटरनल होने के चक्कर में उनको सिस्टम को ओवरलोड करने की ज़रूरत है। ओवरलोड करने के चक्कर में कैलरीज ज़्यादा खाओ, अपने कैलरीज कैलकुलेट करो। साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जाके देखो, हमारा साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वाला वीडियो यूट्यूब पे, कैलरीज कैलकुलेट करो, और हर हफ्ते उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ ऐड करते जाओ। मोटे तो होना ही होना है, कोई चीज़ रोक नहीं सकती। दैट इज़ ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव, बढ़ाते जाओ उसको, ठीक है। माइग्रेन पे हेडेक का वीडियो है मेरा, वो देखिएगा माइग्रेन के ऊपर। और कैन मैस्टर्बेशन कॉज सेक्स प्रॉब्लम, मेडिकल एजुकेशन जी, मैंने अभी कल या परसों की बात है इस पर पूरा 30 मिनट का सिर्फ इस पर डिस्कशन किया है FAQ चैनल पे। आप जाके FAQ चैनल पे हमारा डिस्कशन देखिए मैस्टर्बेशन पे, राइट, मैस्टर्बेशन सेक्स हेल्थ पे एक डिस्कशन हो चुका है। अगर आप लोग चाहेंगे डिस्कशन फिर करना है तो नेक्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट जब मेरी होगी उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा कमेंट आएंगे, 10 भी कमेंट आएंगे तो हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे, लेकिन यहाँ पे नहीं, इंस्टाग्राम के लिए लिंक सब नीचे दिए होते हैं। एनी साइड इफेक्ट ऑफ बियर्ड ऑयल्स? नो, देर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ बियर्ड ऑयल, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मस्त लगाओ, ऐश करो। पिंपल हो सकते हैं, पिंपल इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ नॉट मैनेजिंग ऑयल ऑन द स्किन। सो ऑयल स्किन पे आ रहा है, लगा रहे हो, उसको मैनेज करना है कि वो स्किन के ऊपर पिंपल पोर ब्लॉक ना हो जाए। दैट इज़ योर अक्ल, आपको पता होना चाहिए नॉलेज कि पिंपल केयर, स्किन केयर क्या होती है। फॉर दैट यू हैव टू नंबर वन हैव योर साइंस क्लियर्ड, साइंस में उसका जो विज्ञान है वो समझो, एक्नी वाले वीडियोज देख के, एंड देन असेस योर बॉडी, असेस योर स्किन, टेक हेल्प ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, मेक श्योर टू कीप लाइकिंग, है ना, बात समझ आ रही। तो पाकिस्तान वाले फ़ैन जी, थैंक यू, ओके ओके। पहली बात मैं बता दूं दोस्त, मैं समझता हूं काफ़ी सारे लोग अभी आजकल के इंसिडेंट से बहुत परेशान होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान गलत नहीं है, बल्कि 99% लोग गलत नहीं हैं, 1% लोग ज़रूर गलत हैं, और उन गलत लोगों के चलते हम 99% को सज़ा नहीं दे सकते, या हम पाकिस्तान को ही बोल सकते हैं या गाली नहीं दे सकते, वो गलत बात है, है ना। बाकी ये चीज़ है, वो चीज़ जो है, वो लोग जो गलत हैं, जो लोग गलत हैं उनको आइडेंटिफाई करके ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाउ टू क्योर हाइपर एसिडिटी परमानेंटली? हाइपर एसिडिटी के लिए आपको डाइट बदलनी पड़ेगी। परमानेंट क्योर है, नंबर वन अपना डाइट में पानी, वेजिटेबल फाइबर इंटेक बढ़ाइए, और फूड स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट से लेना है, थोड़ी थोड़ा खाना, थोड़े थोड़े देर में खाना है। इन सब से 90% लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वेजिटेबल ज़्यादा खानी है, यानी फाइबर ज़्यादा खाना है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और कम मात्रा में खानी है, ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, पेट आधे से ज़्यादा मत भरो, ट्राई करके देखो, काफ़ी बार हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम इसी से ख़त्म हो जाता है। और पानी दिन भर में पीना है, खाने से पहले, खाने के बाद, खाने से 1 घंटा पहले, खाने के 2 घंटे बाद। ऑल राइट, एक पेड क्वेश्चन आया है, ओके, पेड क्वेश्चन, माय बिलिरुबिन एंड हीमोग्लोबिन ऑलवेज रिमेन हाई, डॉक्टर से गिल्बर्ट सिंड्रोम। सॉरी, देखिए गिल्बर्ट सिंड्रोम, बिलिरुबिन हाई रहना, इस पर क्वाइट फ्रैंकली गिल्बर्ट सिंड्रोम का बोल पाएंगे कि आप बिना टेस्ट के रिपोर्ट देखे कि क्या करना चाहिए, एक सेकेंड, राइट, बल्कि सॉरी देखो,
राइट, आपका कुछ नहीं है। बिलीरुबिन मैनेज करने का प्रोसेस अगर सही नहीं है तो वो एक गिल्बर्ट सिंड्रोम, मतलब बिलीरुबिन जो आपका लिवर बना रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा, वो शरीर में जमा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो वो दिक्कत करेगा। गिल्बर्ट सिंड्रोम डेंजरस है क्या? नहीं, पहले तो बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को होता है, ज़्यादातर लोगों का होता भी है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन है नहीं, कुछ करना नहीं है उसमें। आपको सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी है, हीमोग्लोबिन और बाकी टेस्ट रेगुलर कराने हैं। राइट, आप डैश डाइट खा सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड डाइट। बेयर मिनिमम अपना प्रोटीन, बेयर मिनिमम प्रोटीन इंटेक आपको रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए कि आपको अगर बार बार जॉन्डिस हो रहा है तो ही वो आपको आपका हीमोग्लोबिन, और ये चेक, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्रेक होके बिलीरुबिन बनता है, तो वो नहीं, वो तो नहीं हो रहा, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा, यानी बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन अगर बहुत ही ज़्यादा हो गया तो खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें असेस करनी बहुत ज़रूरी है रेगुलरली। इसके लिए आपका जो डॉक्टर होगा वो होगा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ठीक है ना, इतना समझ लीजिए। बाकी अगर आप अपने रिपोर्ट्स भेजें तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं उसके लिए आगे और क्या सलाह दूँ। राइट, लेट्स सी देन, अभी एक ही पेड क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे लाइन से क्वेश्चन वाले से। इसमें भाई ज़्यादा पानी पीने से किडनी ख़राब होती है क्या? 6 से 7 लीटर कायदे से तो नहीं होनी चाहिए, अगर किडनी ख़राब है तो प्रॉब्लम हो सकती, ऑलरेडी ख़राब किडनी को ओवरलोड नहीं करते, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, आपका शरीर किसी भी तरीके की क्षमता में ढल सकता है, मगर आपको धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ानी है। अगर आप किसी को 1 लीटर पानी पीने वाले को सीधा 7 लीटर पानी दोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो किडनी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगी अगले दिन, वो पहले तो पी नहीं पाएगा। आपको महीने भर में स्लोली उसका एडजस्टमेंट करना है, उसकी ताकत बढ़ानी है, शरीर की क्षमता बढ़ानी है। वैसे ही जैसे एक मसल है, मसल की पावर धीरे धीरे बढ़ती है, किडनी है, किडनी की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। तो 6-7 लीटर की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, 5 लीटर 4 लीटर बहुत है। लोग कहते हैं 6 लीटर वाले भी 10 लीटर वाले भी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन 10 लोग 10 लीटर या 100 लोग 10 लीटर पीना शुरू कर देंगे तो एक की किडनी में प्रॉब्लम आएगी। सो अति भी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, 4 या 5 लीटर बहुत हैं, ठीक है। ओके सॉरी, पता नहीं गला थोड़ा सा अभी भी कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। गुड इवनिंग सर, व्हेन आई टेक एंटीबायोटिक्स ड्यू टू चेस्ट इन्फेक्शन माय टंग गेट्स अल्सर्स, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सी, आपको अपना विटामिन B12 चेक कराना है। मोस्टली ये प्रॉब्लम विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाले लोगों में होती है, क्योंकि उनके अंदर B12 डेफिशिएंसी के चलते जब भी वो एंटीबायोटिक लेते हैं तो प्लस ज़्यादा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए बैक्टीरियल नॉर्मल फ्लोरा में प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसके साथ में अगर भी एंटीबायोटिक के साथ लैक्टोबैसिलस है, अच्छे वाले बैक्टीरिया है, वो वाले दिए जाते हैं, जो दही वाली चीज़ें होती हैं ना प्रोबायोटिक्स, वो दिए जाते हैं, एंटी एसिड एंटासिड दिया जाता है, और साथ ही B12 को आपको चेक करना है। B12 कमी है तो वो पूरी करिए, अगर डाइट वेजिटेरियन खाते हैं तो दूध दही पनीर लस्सी छाछ कुछ तो डालिए। सॉरी, समझ रहे हैं? पहले तो ऐसा है, एंटीबायोटिक हमेशा मत खाइए, ज़रूरत है तभी खाइए वरना मत खाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, सो ये हुई बात, फिस्चुला है, ऑलराइट, एनल फिस्चुला का वीडियो बन चुका है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं एडिट करने के लिए समय ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब लोग कहते हैं सर फोटो भी डालो वो भी कर लो, अब सिर्फ बोला हुआ तो है मेरे पास, मैंने बोल दिया, अब वो बोल दिए वाले पे एडिट करना है, फोटो डालनी है, ये करना है, तो टाइम नहीं मिल रहा, वो इशू है। वरना बोले हुए तो मैं घपा घप डाल दूँ, कोई बड़ी बात नहीं, दिन के 10 वीडियो डाल दूँ, है ना, फिर आप बोलोगे 10 वीडियो ओवरलोड हो गया। तो ये चीज़ है। सो बोलने में तो हम झपटप बोल देते हैं, लेकिन फिर उसको एडिट करना है, उसको सुपर रिफाइन करना, वो ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ आप लोग कहेंगे कि सर उसकी ज़रूरत नहीं, आप डाल दो, लेकिन फिस्चुला वाले में वीडियो में मेरा मन था, मैं करता हूँ, वो टिकता हूँ, आज ट्राई करूँगा, है ना, आज कल में आ जाएगा, 2-4 दिन में फिस्चुला का वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। एनल फिस्चुला, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्योर स्टेज 1 फैटी लीवर? इट कैन टेक एनी वेयर फ्रॉम 1 वीक टू 1 मंथ टू 1 ईयर, इट डिपेंड्स अपॉन आपको समझा है वो हुआ कैसे है या नहीं, आपको समझा। अगर दारू पीते रहोगे, उल्टा सीधा खाते रहोगे, कैलरी ज़्यादा है, तो दुनिया की कोई पावर उसको ठीक नहीं कर सकती, अलग है, ये कोई नहीं कह सकता किसका कितना आएगा, ठीक है। ऑलराइट सर, पेनिस एनलार्जमेंट क्या? एनलार्जमेंट फीस कितनी तक होती है? वो ऑपरेशन होता है, वो यूरो सर्जन से पूछिए, यूरो सर्जन बताएंगे कैसे होता है। ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं पेनिस एनलार्ज करने का, कोई पंप काम नहीं करता।
सर मेरे पापा के घुटनों में दर्द हो रहा 2 दिन से बहुत ज़्यादा। लेफ्ट घुटने में सिर्फ 865 90 ईयर डायबिटीज़ है, नहीं 89 90 वेट है, डायबिटीज़ है। राइट, देखो ऐसा है, 90 वज़न थोड़ा ज़्यादा हुआ 65 के लिए, घुटनों में दर्द उसके वजह से भी होगा। नंबर दो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगी तो वेस्क्यूलोपैथी होती है, खून की सप्लाई कम हो जाती है। घुटने का एक्सरे करा के देखो, गैप तो नहीं कम हुआ। उनको विटामिन डी, कैल्शियम, B12 के सप्लीमेंट ज़रूर दो, ये 3 चीज़ें। और मेक श्योर करो कि उनकी डाइट में अगर नॉनवेज नहीं है तो नाउ इज़ द टाइम टू इंट्रोड्यूस क्रिएटिन। 3 ग्राम क्रिएटिन उनको देना चाहिए। अगर आपको पता नहीं क्यों कैसे, तो क्रिएटिन का मेरा वीडियो देखो, यू विल अंडरस्टैंड वाई। और अगर उनकी मसल्स अच्छी है तो फिर वेट कर सकते हो थोड़ा और। सो ये पूरा एक तरीके से मान लीजिए हेल्थ केयर की बात आती है। आपके अगर आप में से 100 लोग हमारे पास बैठेंगे कि सर मेरे में कोई कमी है क्या, और टेस्ट किया जाएगा, तो 90 लोगों में कमी निकलेगी। सिर्फ 10 लोग निकलेंगे जिनमें कुछ कमी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कमी नींद की इसकी। सो हमारा एज अ डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता यही है कि आपको कैसे बताएं कि एक एक कमी पकड़ पकड़ के उसको ठीक करो। 90% बीमारी उससे ठीक हो जाती है। बाकी ज़रूर इन्फेक्शन, कोई एनवायरमेंटली, कोई कैंसर, ट्यूमर, कोई BP, शुगर, थायराइड, वो सब ठीक करना है ही है, वो तो है ही। लेकिन दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर चीज़ इंसान के दिमाग में बेटर, आपकी लाइफ बेटर करनी है। आपकी लाइफ बेटर करनी है तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं? लाइफ बेटर होगी तो आप अपने आप ठीक रहोगे, है ना? सही बात है, बात अच्छी लगी, लाइक बटन दबा देना। कफ को क्योर करने के लिए आपको कफ का कारण देखना होगा। दीपशिखा जी, जैसे अभी हमें अभी थोड़ा सा गले में खराश है, तो वी आर ट्रीटिंग इट विथ प्लेन सिंपल मेडिसिन, स्टीम, गार्गल्स, वो ठीक हो जाता है। उसमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं होती हर एक को, अनलेस एंड अंटिल फीवर है, अनलेस एंड अंटिल थ्रोट एकदम कंजेस्टेड, इन्फेक्टेड है, वो एग्जामिन करके पता चल जाता है। कफ के ऊपर फुल डिटेल वीडियो आप जाके देखिए, कफ बाय डॉक्टर एजुकेशन, यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और पेड सवाल आया है, पेड सवाल को एक बार और देख लेते हैं। पेड क्वेश्चन, अच्छा, यूरिक एसिड इज 7.6 है, इसका क्या मतलब है? क्या नेचुरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। आप मानेंगे, यूरिक एसिड, कई लोग कहते हैं प्रोटीन कम कर दो। मैं अपने पेशेंट जो यूरिक एसिड आता है, मैं उनका प्रोटीन बढ़ा देता हूँ, और क्या कहता हूँ, उनका पानी बढ़ा दे। ज़्यादातर लोग जिनका यूरिक एसिड कम आता है, वो लोग पानी कम पीते हैं। जी हाँ, वो पानी कम पीते हैं, कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर बस। मैं उनसे पानी उनका 2 से 3 लीटर, 4 लीटर करता हूँ एक हफ्ते में, धीरे धीरे 1 से 2। पानी डबल करते ही, पानी बढ़ाते ही किडनी यूरिक एसिड निकालना शुरू कर देती है, और यूरिक एसिड निकालना आसान हो जाता है। तो जब आप हाई प्रोटीन डाइट भी लेते हैं तो वो यूरिक एसिड रादर उनका कम हो जाता है, वो प्रभावित हो जाते हैं कि भाई साहब ये कैसे हो गया। सारे डॉक्टरों ने तो हमारा दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, चिकन, मटन, अंडा, भंडा सब बंद करवा दिया था, आप तो क्या कह रहे हो? फिर वो रिपोर्ट बताती है उनको। सो दैट्स द आइडिया, आपको अपना पहला काम करिए, पानी बढ़ाइए, ठीक है? प्रोटीन इसलिए क्योंकि एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम पर ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन तो चाहिए आपको। अगर वो नहीं खाओगे तो यू आर लूजिंग मसल्स। अल्टीमेटली क्या फ़ायदा हो रहा है बॉडी का कमज़ोर होते होते? आगे 1 साल 2 साल में कमज़ोर हो जाओगे तो क्या लेके जाओगे दुनिया में? सो रिमेंबर, बाकी भी कारण है यूरिक एसिड के, उसके लिए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम एंड आपका पाइरुवेट जो प्यूरीन मेटाबॉलिज्म है, उसमें मैंने फुल डिटेल एक वीडियो बनाया है, यूरिक एसिड बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको समझिए, उसमें से जितने कारण हैं उसको असेस करो, इसमें से कौन सा आप में है वो करेक्ट करते जाओ, ठीक हो जाओगे। पहला काम करो पानी पीना बढ़ा दो, दूसरा काम करो 2 महीने के बाद यूरिक एसिड चेक करो, वेजिटेबल्स, डाइट, एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ें फुल कंप्लीट चीज़ ज़रूरी है इसमें, ठीक है? डैश डाइट ट्राई करो, DASH डैश डाइट पे भी वीडियो है, वो देखो, ठीक है दोस्त? ये सेकंड पेड क्वेश्चन हमने ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल जवाब की सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले तो लाइन से लेते हैं हम जो सवाल आए हैं, पहले जो आया उसके सवाल के जवाब, जो पहले नहीं आया वो पे कर सकता है, ऑनलाइन पे करके सुपर चैट में अपना सवाल ऊपर डाल सकते हैं आप, दैट इज़ ऑब्वियसली एन ऑप्शन। ऑलराइट, थायराइड मेडिसिन साइड इफेक्ट, सर अभी भी कम, थायराइड मेडिसिन के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आपकी धड़कन बढ़, अगर आपकी थायराइड ने दबाने से गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी जरा सा टच करने के भूम चली जाएगी तो वो भी सही नहीं है, वो हाइपर थायराइड हो गया। सो इसीलिए इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। थायराइड के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए, हाइपर थायराइड हो गया, ज़्यादा दवा खा ली, सो आपके हाइपरटेंशन, आपको नींद नहीं आना, इंसोम्निया, बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हाइपर थायराइड पे फुल डिटेल वीडियो है, वो जाके देखिए, समझेगा आपको कैसे होता है। ओके, टॉप यूट्यूब कंटेंडर,
ये यूट्यूब वाले भाई साहब, आपने हेलो बोल के अब सवाल पूछा। अच्छा चलो देखो आपका सवाल आ गया। किस्मत अच्छी आपकी, कई लोगों का आता नहीं है। इसे पहले क्वेश्चन डालो, फिर उसके बाद हाय हेलो करते जाना, लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, मोहब्बत दिखाइए, बहुत अच्छी है अपनी, दैट इज़ ऑल गुड। शरीर अभी भी कमज़ोर है, 4 साल का टाइफॉइड 3 महीने पहले ही ठीक हुआ है। टाइफॉइड को देखिए अल्टीमेटली कमज़ोरी है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, इट विल टेक टाइम, राइट। मेक श्योर करिए इस दौरान आपकी डाइट अच्छी हो, विटामिन डी B12 ये कम नहीं होने चाहिए, पानी अच्छा लेना, नींद अच्छा लेना, एक्सरसाइज लेना, इसको टाइम लगेगा, कभी 2 महीने कभी 4 महीने। मेक श्योर कि आप प्रोग्रेसिवली बेटर होते जाएं, कमज़ोर होते जा रहे हो तो आप कुछ लैक कर रहे हो, उस केस में एग्जामिनेशन से पता चलेगा क्या हो रहा है, ठीक। तरवीन जी, डैंड्रफ के लिए आप एक डैंड्रफ लोशन आता है, डैंड्रफ प्लस लोशन आता है, वो लगाइए 10 मिनट लगा के, उसको दिन में हफ्ते में 3 बार नहाइए, और एंटी डैंड्रफ कीटोकानाजोल का शैम्पू ले लीजिए रोज़, उससे नहाइए, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ऑयल्स अपने बदल लो, ऑयल जो है सर में तेल लगाते हो, अगर नहीं लगाते हो लगाइए, उसमें ना कोई भी अच्छा एंटी बैक्टीरियल टाइप ऑयल आते हैं, जैसे टी ट्री ऑयल हो गया, जैसे हेम्प सीड ऑयल हो गया, ऐसे कोई ऑयल ले लो, ये अच्छे होते हैं। ये ऑयल थोड़ा चार चार दो दो बूंद लगाओगे ना तो वो भी अच्छे रहते हैं, थोड़ा इधर उधर डाल दो एंड मसाज कर लो, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच, ये डैंड्रफ ख़त्म कर देगा आपका, ठीक है। इस पे पर वीडियो भी है मेरे, प्रोफेशनल टिप्स भी है, वो जाके देखिए आप। हाई सर, सिंथेटिक मल्टीविटामिन विच हैव आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ एंड लेस अब्जॉर्प्शन, उसकी वजह से किया, उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? उसकी देखो, पहले तो ऐसा नहीं है कि ऐसा है, सिंथेटिक ख़राब है या आर्टिफिशियल कलर्स ख़राब है, प्रिजर्वेटिव ख़राब है, प्रिजर्वेटिव तो डाल ही नहीं सकते विटामिन में, पहली बात आपको, क्योंकि वो सूखे हुए वो हैं बेसिकली, इट्स बेसिक थिंग है, जो उधर आर्टिफिशियल होंगे तो आर्टिफिशियल में प्रिजर्वेटिव की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, नेचुरल चीज़ को प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ हमेशा एक उसकी एक्सपायरी हो सकती है, उसका डीजनरेशन रेट हो सकता है। बाकी आर्टिफिशियल जो उसके कैप्सूल्स बनते हैं वो भी एडिबल चीज़ होती है, अगर आप वो बात करेंगे तो किसी भी प्रकार की कैप्सूल में इशू आ सकती है, कैप्सूल की कवरिंग में, कोटिंग में, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा किस कंपनी किस क्वालिटी का वो लिया है, पहली बात। तो हर एक ख़राब नहीं होता, कुछ बेकार कंपनियां हैं दुनिया में जो सबको बदनाम कर देती हैं, जैसे कुछ बेकार टेररिस्ट है जो दुनिया रहते हैं और हम बेवकूफ़ होके इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान सही से रहे तो क्या दिक्कत है यार, कौन नहीं चाहता आराम से रहे, कौन चाहता है भाई हम बम फोड़े वो बम फोड़े, कौन चाहता है उल्टा सीधा वॉर होते रहे। सेम चीज़ ये याद रखिए कि हर जगह हर देश में हर गली में हर घर में कोई ना कोई गलत या एक बंदा कोई ना कोई होगा ही होगा जो थोड़ा सा एंटी होगा या थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल होगा, वो बंदा आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। एनीवेज सॉरी फॉर दैट। एंटीबायोटिक, अगर आप मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहते हो तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए मल्टीविटामिन की, जब तक ज़रूरत ना हो आपको लेना है आपके हिसाब से क्या नाम है उसका, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मोर देन इनफ टू गिव यू ऑल द मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स जो आपको चाहिए। अगर डेली आप 2-3 सर्विंग फ्रूट की या 2-3 सर्विंग वेजिटेबल्स की साथ ले रहे हैं, 1 या 2 बार फ्रूट खा लो, 2 या 3 बार वेजिटेबल्स खा लो, क्वांटिटी अच्छी रखो, राइट। सो उससे क्या होता है, कोई भी वेजिटेबल जो भी नेचुरली आपके एरिया में मिल रहे हैं जिसका मौसम है वो, उससे क्या होता है आपको उन जो आप मल्टीविटामिन से लोगे उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, क्योंकि आज तक जितने मल्टीविटामिन जितने विटामिन आइडेंटिफाई हुए हैं सिर्फ उनका मल्टीविटामिन बन सकता है, और भी आगे होंगे, आज से 25 साल बाद 50 साल बाद 100 साल बाद या आपको लगता है कोई नया इंग्रेडिएंट नहीं निकल के आएगा, ओह ये भी एक चीज़ है ना, जैसे ओमेगा 3 निकला, जैसे ये निकला, वैसे ही। तो आप मल्टीविटामिन की जगह नेचुरल पे फूड फर्स्ट जाएंगे, और 3 से 4 लीटर पूरे दिन में पानी, खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, ये बेसिक स्टेप्स पहले फॉलो करिए, और अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है B12 डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए B12 खाना शुरू करिए, और ज़रूर अपना एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को दिखा सकते हैं अगर फिर भी दिक्कत हो तो। ऑल राइट राहुल शर्मा जी, मैंने देख लिया था आपका इसलिए आपने डायरेक्ट बता दिया था आपको। चलिए हम राहुल शर्मा जी तक पहुंच गए, और बहुत टाइम हो गया दोस्तों, चलते हैं, काफ़ी सवाल हो गए, अगर किसी के सवाल रह गए हैं तो हमसे डॉक वाइज एप्लीकेशन में पूछ सकते हैं, और बाकी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की हमेशा। मिलते रहिए हमसे, और देखते रहिए, और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू टुमारो, टेक केयर।